Welcome to Yogic and Modern Science. Today we'll talk about one of the most important, or you can say the mysterious element of which the whole existence is composed of. That is Aakash Tattva. The scriptures say the existence or the srishti is composed of mainly four tattvas, four elements, namely prithvi, jal, agni, vayu and akash. Akash tattva is also known as tej element, tejas, akash or tejas. And since akash tattva is it is the most expanded element and the most mysterious, that is why it is also called Ishwari element. Ishwar. Sharmaji, from the yogic science point of view, what is the mystery behind Aakash Tattva? What is it? Because people are not able to understand the Aakash Tattva, but other tattvas, other elements, they can see, they can feel, they can experience. So it is very, very clear to them. Okay, but Aakash Tattva, about it, many people are confused. Some say it is the empty space between you and me. Some say it is not empty, it is filled with some kind of mysterious or ethereal element. What exactly is this? What is Aakash Tattva? Yogic science, jo adhyatmik science hai, adhyatmik vigyan hai, is adhyatmik vigyan ki samne rakhkar ke agar hum dekhen ki char tattva jo aapne bataye ki prithvi aur jal और अग्नि और वायु और उसके बाद जो आकाश तत्व आपने बताया, तो वहां शास्त्र ये कह रहा है कि ये चीज तो हमारी समझ में आ रही कि ये हमारे शरीर में दिखाई दे रहे हैं कि ये हमारे शरीर में हमें मौजूद है, हमें समझ में भी आ रहे हैं, दिख भी रहे हैं, मगर आकाश तत्व तो हमारे शरीर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और वो है भी नहीं है, वो ये बड़ा असमंजस है कि ये क्या चीज है आकाश तत्व। तो तेज तत्व है, ईश्वरी तत्व है, इसे कहते हैं अध्यात्म में ईश्वरी तत्व भी बोलते हैं, तेज भी बोलते हैं, आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व उस के बारे में जो हम अब आपको आध्यात्मिक योगिक विज्ञान कहते हैं उसकी एक परिभाषा और उसके एक प्रमाण बता रहे हैं कि जो ये आकाश तत्व है इसमें शब्द हो रहा है और हमारा योगिक विज्ञान ये कहता है कि शब्द से कोई भी चीज का निर्माण होता है, शब्द उसका आधार है। तो जब शब्द किसी निर्माण होने के लिए आधार है तो शब्द जहां होता है तो शब्द बिना गति के नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है शब्द के साथ वहां पर गति भी उपलब्ध है, मौजूद है, तभी शब्द हुआ है और तभी उसका निर्माण संभव है। तो इसका मतलब है गति और शब्द, और जहां गति और शब्द दोनों हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां पर शक्ति भी उपलब्ध है, मौजूद है शक्ति। तो शक्ति, ये जो तीन चीजें हैं, ये आकाश तत्व में परमात्मा की व्यापक स्थिति है। और ये परमात्मा, हम उस बात की कर रहे हैं जो हमारी तीसरी पोजीशन है। तीसरी पोजीशन जब जिस वक्त नीचे की तरफ गिरती है तो वो गिरने में क्या होता है कि उसके वहां पर गति आती है, और गति जब मिलती है तो उसके बाद वहां एक शब्द होता है और फिर उठती है और फिर वो गति पकड़ता है, तो वहां एक शक्ति भी पैदा होती है और शब्द भी है और गति भी है, तीव्र गति है। वही गति जो एक अंडाकार में है, वही गति इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सभी अंडों में है, और कंप्लीट ब्रह्मांड के किसी भी निर्मित बनी हुई जो ठोस पदार्थ है उनमें भी है, किसी आकारों में वो आकार के अंतर्गत बने हैं उनमें भी है, और जहां निराकार है वहां पर भी एक आकार है। वहां भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि दिखाई नहीं दे रहा कि यहां पर आकार जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और निराकार तो एक जैसा दिखाई दे रहा, उसमें भी एक आकार है, सभी चीजों के आकार है, आकार के बगैर संभव नहीं है, और आकार भी उस ईश्वरी तत्व का ही बना हुआ आकार है। आकार में
साकार और निराकार जैसे भरा जाता है, भरता है, तो आकार अनेक होते हैं, साकार निराकार जो है ना अदलते बदलते रहते हैं, उनमें अदल बदल करके भरते हैं, कभी वो इधर है कभी इधर। तो आकाश तत्व की जो हम बात करते हैं किसी चीज के निर्माण के लिए, शब्द की बात करते हैं, तो व्यापक पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जो कंप्लीट ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, उस ब्रह्मांड में जो चीज वहां मौजूद है उसका आपके शब्द जहां है जो केंद्रित हुआ है, जिसका निर्माण होने जा रहा है, अगर वो निर्माण हुआ है तो वहां कंप्लीट पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बाहर की भी स्थिति वहां पर उपलब्ध है, मौजूद है। इसलिए क्योंकि वो व्यापक चीज जिसे व्यापक भगवान ईश्वरी तत्व बोलते हैं, तेज बोलते हैं, आकाश तत्व, तो व्यापक ब्रह्मांड एक केंद्र में वहां पर सूक्ष्म रूप में स्थित हुआ है और वहां उसका बाकायदा किसी चीज से हर चीजों से लिंक है उसका, कि ये लिंक जब चाहे तब आप उससे उसे यौगिक विज्ञान के माध्यम से जब चाहे तब उसको देख सकते हैं, वो आपके अंदर में दिखाई देगा। जितना ही बड़ा वो आकाश में है उतना ही बड़ा आपको अंदर दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि वहां बहुत बड़ा है तो आपके अंदर में जो वो बहुत सूक्ष्म दिखाएगा, जहां आपको उसमें पेड़ पौधे अगर पहाड़ में बने हुए तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे और बहुत बढ़िया दिखाई देंगे, क्योंकि यह अंदर की एक ये शक्ति है और अंदर का एक अनुभव है, अंदर का ज्ञान है ये। तो इसलिए आकाश तत्व जो है वो ये सर्व शक्ति और गति है, और ये आज स्पष्ट इसलिए किया गया। फिर दूसरे तत्वों के बारे में ज्ञान है, इसके तत्वों के बारे में लोग असमंजस में थे कि ये आकाश तत्व है क्या चीज, मतलब जहाँ पे शब्द शक्ति हो रही है, जहाँ शब्द हो रहा है जी, तो वहाँ पे वो शब्द पहले केंद्र बना रहा है जी, पहले केंद्र बना रहा है केंद्र, और उस केंद्र से जो आकाश तत्व वो केंद्र में जो उसमें चार गुण है उनसे वो क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा, क्रिएट करेगा, तो वो शब्द है, इसलिए वो हर शब्द के माध्यम से शब्द को वहां लाएगा, शब्द है उसमें हो रहा है, इसलिए वो अपने कैटेगरी वाले को शब्द को पकड़ करके वहां पे क्रिएट करके इकट्ठा करेगा। इसका मतलब है शब्दों वाले और शक्ति वाले सभी अंडे वहां पर इकट्ठे कर रहा है, इसका मतलब एक वो एक सघन स्थिति बना रहा है, मतलब एक वहां पर घनत्व दे रहा है। सबसे पहले वो आकाश तत्व को लेगा, हाँ सबसे पहले वो आकाश तत्व को लेगा, आकाश तत्व को लेगा, है ना, ये सुप्रीमो है, ये सुप्रीमो पहले आकाश तत्व, पहले आकाश तत्व को लेगा, इसका मतलब है आकाश तत्व पहले से मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल आकाश तत्व मौजूद है पहले से, पहले अंडे में मौजूद है, अंडे पूरा ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में वो आकाश तत्व मौजूद है, तो वो उसी शब्द के जरिए लेगा, शब्द के जरिए लेगा, शब्द जहां केंद्र बनाएगा, जहां केंद्र बनाएगा, ठीक है, उसके लिए उसी केंद्र के माध्यम से वो जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, वो जहां भी केंद्रित होगा वहां पे जुड़ लेगा, उसमें गति है, इसलिए उसे कितने करोड़ अरब अरब दूरी पर अगर कोई चीज है और उसका संबंध उसने उसने लेना है तो उसने उसे देर नहीं लगेगी, वो एक पल में ले सकता है वहां पे, क्योंकि उसमें गति है और उसमें शक्ति है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा मनुष्य है और वो बहुत बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, बहुत सुप्रीमो शक्ति है, अगर कोई भी मनुष्य क्रिएट करके किसी भी आध्यात्मिक शक्ति से कुछ भी शक्तिशाली कोई चीज कर सकता है, वो शक्तिशाली बन सकता है क्योंकि उसमें शक्ति है, तो शक्ति भी है, तो छोटी चीज में शक्ति, देखो हवा में शक्ति है, जल में शक्ति है, वायु में शक्ति है, सब में शक्ति है, शक्ति तो सब में है, अगर चाहे तो वायु जब चाहे तो किसी को उड़ा कर रख दे, और अगर पानी चाहे तो किसी को बहा के रख दे, सब में शक्तियां हैं और सब में जो है इसमें केंद्रित होती हैं, ये चीजें केंद्रित होती हैं, तो वायु में भी तो ये चीज केंद्रित होती है ना, तभी तो इस तरीके से वो केंद्र बना करके और उड़ा के रख देती है, मतलब सबके अलग अलग जो यूनिट है या अंडे बिल्कुल बिल्कुल पहले से मौजूद है, यूनिट आकाश के हो, पृथ्वी के हो, किसी के भी अंडे हो, ऑलरेडी है वो है, ठीक है, जहां पे शब्द केंद्र बना रहा है वो जो है वो सबसे पहले आकाश के जो पार्टिकल्स है उनको अट्रैक्ट करता है, उनको अट्रैक्ट करेगा, फिर बाकी चीजें आएंगी, फिर बाकी इस तरीके से निर्माण वो उसके तो बाकी सभी जल पृथ्वी तो वही है, वही पे वो तो वही पे है, पहले उन चीजों को करेगा जो बहुत दूर दराज की चीजें हैं, दूर जो दूर दृष्टि की चीजें हैं उनको सबसे पहले लेगा और उसके बाद जो केंद्रित है उस बगल से लेकर के निर्माण कर देगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, दैट ऑल द एलिमेंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, इट इज नॉट क्रिएटेड, इट इज दीज एलिमेंट्स आर जस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, एंड व्हाट इज दैट सेंटर, सेंटर इज द शब्द और द साउंड
which is happening by that the energy of consciousness or chetan. So where the sound is centering, at that center firstly it attracts the particles of Aakash Tattva, Aakash element, and followed by Vayu, followed by this Agni, and then Jal, and then Prithvi. So one thing is very clear, should be very clear to all the viewers, that all the tattvas, all the elements are already present. The only thing to be understood is where there is the centering of shabd or sound, these tattvas are getting attracted. So first of all, Aakash Tattva is attracted towards it, and followed by all the other tattvas. Thank you, friends.